हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्निंग। तो थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस एम और आर का करेक्ट यूज इंग्लिश में। ठीक है, ये बहुत इजी है, हम लोग मिलके पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश। तो अगर आप नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। चलिए बिना किसी देरी जंप इनटू द वीडियो। इनके यूजेस शुरू करने से पहले आपको दो बातें बता देती हूँ। पहली कि इज, एम और आर हमेशा प्रेजेंट में यूज होता है। किस में यूज होता है? प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल में यूज होता है। वैसे मैंने टेंसेस पूरे पढ़ा चुके हैं, अगर आपने उसकी पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, आई बटन पे लिंक आ रही है और डिस्क्रिप्शन में भी है, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। ओके, तो प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में ये तीनों चीजें यूज होती हैं, और इन तीनों का मतलब होता है, है। इन तीनों का मतलब हिंदी में क्या होता है? तो ये जिस सेंटेंस में है उसका मतलब वहां पे है, आ रहा है। ठीक है, तो अब आता है हमारा इज, एम, आर। चलिए यूज स्टार्ट करते हैं। इज का यूज शुरू करने से पहले हम एम के यूज पे चलते हैं। ठीक है, तो एम जो है वो हमेशा आई के साथ लगता है, यानी कि मैं, मेरे साथ लगता है। ठीक है, आपने कभी भी देखा है एम यू के साथ लग रहा है, यू एम प्लेइंग, ऐसा तो नहीं होता ना। तो एम हमेशा आई के साथ ही लगता है। ठीक है, जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं बाजार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बातें कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग। मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग द फूड। ठीक है, तो यहाँ पे आई के साथ हमेशा एम लगता है सेंटेंस अगर प्रेजेंट। तो हमने देख लिया कि एम जो है वो हमेशा आई के साथ लगता है। आपको याद रखना है क्या, एम किसके साथ लगेगा? आई के साथ। बोलिए, एम किसके साथ? आई के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे इस पे। तो इस किसके साथ लगेगा? इस हमेशा हमारा ही, शी, इट, किसी एक व्यक्ति का नाम या कुछ भी सिंगुलर हो तो उसके साथ हमारा इस लगेगा। क्या बोला मैंने? ही, शी, इट, किसी एक व्यक्ति का नाम और कोई भी सिंगुलर चीज के साथ इस लगेगा। अब आप कहेंगे भैया आई भी तो सिंगुलर है, यू भी तो सिंगुलर है, यू के साथ आर, आई के साथ एम क्यों लग रहा है? आपको बस ये याद रखना है कि आई और यू को छोड़ के जितने भी सिंगुलर हैं सबके साथ इज लगेगा। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए ही, शी, इट, किसी एक पर्सन का नाम और कुछ भी सिंगुलर हुआ तो उसके साथ इज लगेगा, सिवाय आई और यू। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह बाजार जा रही है, शी इज गोइंग टू मार्केट। वो टेबल बहुत खूबसूरत है, द टेबल इज सो ब्यूटिफुल। ठीक है, और राम क्रिकेट खेल रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम बातें कर रहा है, राम इज टॉकिंग। ठीक है, मम्मी खाना बना रही है, मदर इज कुकिंग फूड। ठीक है, तो यहाँ पे राम क्रिकेट खेल रहा है बोला मैंने। अगर मैं बोल देती राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ व्यक्ति का नाम है, तो क्या यहाँ पे इज लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो दो व्यक्ति आ गए ना। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। तो जब तक एक वचन होगा तब तक तो इस लगेगा। अब राम और श्याम तो दो व्यक्ति हो गए तो बहुवचन हो गया, तो क्या यहाँ इस लगेगा? नहीं, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इस किसके साथ लगता है। अब आता है हमारा आर। आर लगेगा यू, वी, दे, प्लूरल। बोलिए मेरे पीछे, यू, वी, दे, प्लूरल के साथ आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। ठीक है, तो यू, वी, दे, प्लूरल के साथ आर लगेगा। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, किसी भी बहुवचन यानी कि दो व्यक्ति का नाम, दो चीजों का नाम या एक से ज्यादा चीजों का नाम, एक से ज्यादा व्यक्तियों का नाम, बहुवचन चीजों के साथ हमारा आर लगेगा। और यू बहुवचन नहीं है, हाँ मैं मान
मानती हूँ, बट यू के साथ भी हमारा आर लगता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, हम बातें कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, वह सब खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, ठीक है। राम और श्याम बाजार जा रहे हैं, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर किस किस के साथ लगा, आपको क्लियर हो गया। अब इसे याद कैसे रखें, हम भूल जाते हैं, इसे याद रखने के लिए आपको डेली के रीडिंग करनी पड़ेगी। इंग्लिश का सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश सीखने का, आप डेली रीडिंग करिए। कोई भी बुक उठा लीजिए, अपने स्कूल की, अपने छोटे भाई बहन की, अपने बड़े भाई बहन की, समझ आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, आप बस रीडिंग मारिए। कोई भी वर्ड में अटकते हैं, गूगल बैठा है ना, गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे आइए, मेरे पास आइए, वीडियो देखिए, आर्टिकल्स, टेंस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, सब पे वीडियोस बने हुए हैं। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखी, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रीड करना है, इन सेंटेंसेस को रीड करना है। आप पाएंगे कि आई के साथ जो है एम ही लग रहा है प्रेजेंट में। तो हमने ये देख लिया कि आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, तो आई को तो हम साइड कर लेते हैं। अब क्या बचा आपके दिमाग में, अब क्या आ रहा है, यू आ रहा है, साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, यू को साइड कर लीजिए। अब जितने भी प्लूरल है, बहुवचन है, सबके साथ आर लगेगा। इसे कैसे याद रखें, देखिए इसमें दो लेटर है, आर में तीन लेटर है, आर बड़ा हुआ, आर ज्यादा है, तो वो ज्यादा के साथ लगेगा, बहुवचन के साथ लगेगा, ठीक है। और इसमें से दो लेटर है, मतलब ये सिंगुलर के साथ लगेगा, लेकिन सिंगुलर में आई और यू नहीं आएंगे। आई के साथ एम, यू के साथ आर, प्लूरल के साथ आर, क्योंकि आर की स्पेलिंग बड़ी है तो वो बड़े लोगों के साथ लगता है भैया, एकदम ऐसे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है आर का, और सिंगुलर के साथ इज लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। डोंट फॉरगेट टू रीड द बुक्स, आप बुक्स जितनी ज्यादा आप रीडिंग मारेंगे इंग्लिश की, उतने अच्छे से आपको इंग्लिश आएगी। इट्स माई टिप फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल स्मार्ट लर्निंग पे आपको मिलेंगे मैथ्स और इंग्लिश के अमेजिंग वीडियोस। और मैं आपको और कौन से वीडियोस देखने हैं, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और आप कौन सी क्लास के हैं ये भी कमेंट कर दीजिएगा, मुझे भी तो पता चले कि मेरे से बड़े लोग हैं या मेरे से छोटे लोग, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो।